नमस्कार दोस्तों, मैं रतन मुंडा आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय मेरे पास है C++ का DVR जिसकी टाइमिंग इशू चल रही है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको, चाहे कोई भी कंपनी का DVR क्यों नहीं हो आपके पास, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों चाहे हिकविजन हो, चाहे C++ हो या कोई भी कंपनी का, अगर आपके पास DVR है और उसका टाइमिंग सेट करने के बावजूद है जो वापस डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी कि 01:01:2000 हो या जो भी आपका डिफ़ॉल्ट टाइमिंग है वो वापस शुरू हो जाता है और इसकी वजह से आपका जो रिकॉर्डिंग है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, यानी कि ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो जाता है और उसके कारण आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आज हम इस वीडियो को बहुत चुटकियों में आपको इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बिना किसी टेंशन के आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखते रहेगा और दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो को प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद में, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस प्रॉब्लम इसको डेट को मैंने सेटअप कर दिया है 2022 और आज की डेट मैंने डाल दी है और डालने के बाद में दोस्तों पूरा सेटअप करके अब मैं इस DVR को करने वाला हूँ बंद। तो ये हो गई है बंद और अभी जैसे ही मैं इसको वापस स्टार्ट करने वाला हूँ तो स्टार्ट करने के बाद में दोस्तों ये जो टाइम है वो वापस उसी पे चली जाती है 01:01:1900 जो भी है, जिस साल में आपका DVR बना हो उस साल में चली जाती है। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इस वीडियो में आपको साफ साफ इजीली छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत चुटकियों में मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में, ज़्यादा टाइम में आपको वेस्ट करने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों ये जो मैं है जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने दिखाना चाहता हूं, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार कर दीजिए। मैं इसको बंद कर दिया हूं और वापस मैं चालू भी कर दिया हूं, बस लोड हो रहा है, तब तक आप देखते रहिए। दोस्तों लोड होएगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये टाइमिंग उसी पे जाके वापस आ जाएगा और आने के बाद में DVR ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने कुछ देर पहले सेटअप किया था और फिर वो वापस उसी पे आ चुका है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं इस सॉल्यूशन के लिए। तो खोल दीजिए दोस्तों अपने DVR के बॉक्स को, इसके अंदर है एक सेल यानी कि बैटरी और उसकी वजह से उसकी टाइम है जो जिंदा रहती है, यानी कि अगर हम उसको पावर को सप्लाई को अगर बंद भी कर देते हैं तो भी जो टाइमिंग हमने सेट करके रखी है वो जिंदा यानी कि रनिंग में रहती है और इसी वजह से उसकी जो टाइमिंग है वो गड़बड़ाती नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा सेल बैटरी लगा हुआ है और जो छोटा बटन सेल है इसको आप कोई भी न्यूक्ली चीज़ से थोड़ा सा प्रेस करके आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। और इसको निकाल के आप कहीं भी दुकान से, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही तो कहीं भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार है वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसकी कीमत बहुत ही कम है दोस्तों, 10 रुपये कैसे लगा सर, 30 रुपये मैक्सिमम दोस्तों, अगर 50 रुपये में भी आपको अगर बेच रहे ना तो उसमें 5 सेल आते हैं। अगर आप दे दिए तो आपका ये प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो सकता है और बाकी कोई अगर प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने आपको C++ के DVR को खोल के दिखा दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।